तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 7। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले देखिए, जिन्होंने मुझे पैसा सेंड किया था 100 रुपीज़, उनका नाम है डॉक्टर दीपाली वॉल्के। ठीक है, दीपाली वॉल्के, ठीक है ना। इन्होंने स्कैन किया और मुझे भेजा, तो ये मुंबई से हैं शायद। ठीक है, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो एक लोग का नाम मैं रोज़ बताऊँगा। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग्स वैली द मोस्ट सुटेबल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ कैरल्स। ठीक है, तो कैरल्स यानी कि अनाज के लिए सबसे अच्छी सॉइल कौन सी होती है, तो ये आपकी होती है एल्यूवियल सॉइल। क्वेश्चन नंबर 2, डिफॉरेस्टेशन द प्रोसेस ऑफ कटिंग ट्रीज इनडिस्क्रिमिनेटली, व्हाट इज इट्स रिजल्ट। ठीक है, तो देखिए, अगर पेड़ आप काटेंगे तो इससे फ्लोरा डिस्ट्रक्शन होगा, फौना डिस्ट्रक्शन होगा, इकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन होगा। ठीक है ना, फ्लोरा का मतलब होता है प्लांट्स, फौना का मतलब होता है एनिमल्स, तो ये सभी का डिस्ट्रक्शन होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन ABC 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द सिटीज ऑफ पाकिस्तान। तो देखिए, इस्लामाबाद तो कैपिटल है पाकिस्तान की, कराची भी आपका कहाँ पे पाकिस्तान में, और लाहौर भी आपका कहाँ पे पाकिस्तान में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों के तीनों शहर क्या हैं, आपके पाकिस्तान के हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग द लैंड लॉक कंट्री। लैंड लॉक कंट्री का मतलब ये होता है कि वो कंट्री जो जिसकी कोई समुद्र से सीमा ना लगे, उसे लैंड लॉक कंट्री कहते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सा है, तो ये आपका है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की कैपिटल क्या है आपकी, काबुल। फिर श्रीलंका की कोलंबो और जयवर्धने कोट्टेपुरे, पाकिस्तान की इस्लामाबाद, इंडिया की क्या है, न्यू दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 5, न्यू वन ऑफ फॉलोइंग ट्रॉफीज इज एसोसिएटेड विद द गेम ऑफ क्रिकेट। तो गेम ऑफ क्रिकेट में कौन सा ट्रॉफी दिया जाता है, तो यह दिलीप ट्रॉफी। बाकी यहाँ पे डूरन ट्रॉफी है, तो ये आपको फुटबॉल में दिया जाता है। संतोष ट्रॉफी भी आपको फुटबॉल में दिया जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है, तो ये है आपका जुपिटर। ठीक है ना, और इसका जो मून है गैनीमेड, वो भी सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा क्या है, आपका सैटेलाइट भी है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, अर्थ को ब्लू प्लैनेट के नाम से जानते हैं। ठीक है, फिर वीनस सबसे गर्म प्लैनेट है, सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है। ठीक है, 7 नंबर, BCCI का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बोर्ड्स ऑफ क्रिकेट फॉर क्रिकेट इन इंडिया, बोर्ड्स ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका हेडक्वार्टर है आपका मुंबई में, मुंबई में। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 8, वर्ल्ड एनिमल डे सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ। तो वर्ल्ड एनिमल डे कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका अक्टूबर में, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, हेनरी फोर्ड वॉज वन ऑफ द फेमस पर्सनैलिटी ऑफ द वर्ल्ड, वाट इज ट्रू अबाउट हिम। तो हेनरी फोर्ड कौन थे, तो ये इंडस्ट्रियलिस्ट थे। ठीक है ना, जो फोर्ड कंपनी की गाड़ी आती है ना, फोर्ड कंपनी की, ठीक है ना, उसके फाउंडर थे ये। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ झारखंड। झारखंड की कैपिटल क्या है, तो ये है रांची। पणजी किसकी कैपिटल है, गोवा की। बेंगलोर की कैपिटल क्या है आपकी, सॉरी, कर्नाटका की कैपिटल क्या है, बेंगलुरु। और ईटानगर किसकी कैपिटल है, अरुणाचल प्रदेश की। क्वेश्चन नंबर 11, रॉबर्ट बर्न्स वाज ए पोएट एंड अ लिरिसिस्ट हु इज़ वाइडली रिगार्डेड एज नेशनल पोएट ऑफ कंट्री, नेम दिस कंट्री। तो रॉबर्ट बर्न्स किस कंट्री के नेशनल पोएट हैं, ये आपको बताना है, तो ये आपके स्कॉटलैंड के। ठीक है, कहाँ के, स्कॉटलैंड के। पुर्तगाल की कैपिटल क्या है, लिस्बन। ठीक है, बार बार ये सब चीज़ें बताते रहते हैं, स्वीडन की क्या है, स्टॉकहोम, यूएसए की क्या है, वाशिंगटन डीसी, इससे आपको कैपिटल याद हो जाएगा कुछ टाइम में। ठीक है, अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको याद हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वाज़ द सोवेरियन नेशन प्रायर टू चाइनीज ऑक्यूपेशन। तो देखिए, ये कौन सी कंट्री है, ठीक है, जिसको ऊपर अब चाइना का राज है, तो ये आपका तिब्बत। तिब्बत की कैपिटल क्या थी, ल्हासा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, फोक डांस इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया कल्चर एंड ट्रेडिशन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग द फोक डांस ऑफ इंडिया। तो इसमें से फोक डांस कौन सा है, तो ये बाको, बाको जो है ये फोक डांस है। और ये कहाँ पे किया जाता है, तो ये बिहार में किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है, बिहार में। ठीक है, कहाँ पे किया जाता है, बिहार में। ठीक, फिर है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम देखिए आपका क्लासिकल डांस है, और ये कहाँ का है आपका, तमिलनाडु का। और यक्षगान कहाँ पे किया जाता है, कर्नाटक में। मणिपुरी डांस आपका मणिपुर में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, नेम द ऑथर ऑफ बुक 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ। तो ये बुक किसने लिखी है, तो इनका नाम है चेतन भगत। और हाफ गर्लफ्रेंड जो बुक है, वो भी चेतन भगत ने लिखी है, 3 इडियट भी लिखी है। क्वेश्चन नंबर 15, हु इज़ द ऑथर ऑफ फेमस बुक देवदास। देवदास बुक किसने लिखी है, तो इनका नाम है शरत चंद्र चटर्जी। क्वेश्चन नंबर 16,
गिवन बिलो आर द मैचेस ऑफ स्पोर्ट्स एंड देयर टर्म्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच, तो इसमें से कौन सा? देखिए क्लिंचिंग जो टर्म है वो बॉक्सिंग में यूज़ होता है, बिल्कुल ठीक है। पॉकेट टर्म यूज़ होता है बिलियर्ड्स में, बिल्कुल ठीक है। एक्स्ट्रा कवर आपका क्रिकेट में यूज़ होता है, ये भी ठीक है। और स्मैश टर्म जो यूज़ होता है वो बैडमिंटन में यूज़ होता है, ये भी ठीक है। कवर पॉइंट आपका टेबल टेनिस में यूज़ होता है, नहीं। कवर पॉइंट आपका यूज़ होता है किस में? क्रिकेट में। किस में होता है? क्रिकेट में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, BA का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ आर्ट्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल ऑफ साउथ अफ्रीका? तो साउथ अफ्रीका की जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है वो कौन सी है? तो वो है आपकी प्रिटोरिया। कौन सी है? प्रिटोरिया। और साउथ जो अफ्रीका है वो भी प्रिटोरिया है, ठीक है। फिर देखिए किम्बरले की खान है वहाँ पे, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया में किम्बरले शहर, वहाँ पे किम्बरले की खान है और वहाँ पे क्या निकलता है? हीरा निकलता है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, एडम ब्रिज कनेक्ट, तो एडम ब्रिज किसको कनेक्ट करता है? तो ये किसको कनेक्ट करता है? मुन्नार और रामेश्वरम को। क्वेश्चन नंबर 20, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैपिटल सिटी इज नॉट सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर डेन्यूब? डेन्यूब नदी पे कौन सा नहीं है? तो ये है आपका रोम। रोम जो शहर है ये इटली की कैपिटल है रोम, और ये टाइबर नदी पे है, ठीक है ना, टाइबर नदी के किनारे है। बाकी बेलग्रेड, वियना और बूडापेस्ट जो है ये आपकी डेन्यूब नदी के किनारे है। अब देखिए वियना किसकी कैपिटल है? ऑस्ट्रिया की, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया, ठीक है। फिर बूडापेस्ट किसकी कैपिटल है? बूडापेस्ट कैपिटल है शायद हंगरी की है, ठीक है। चलिए मुझे याद नहीं आ रहा, शायद हंगरी की है। चलिए आप बताइएगा बूडापेस्ट की क्या है, ध्यान नहीं आ रहा अभी, अगर आता है ध्यान तो बताता हूँ अभी। मैक्सिको ऑफिशियली नोन एज द यूनाइटेड मैक्सिकन स्टेट इज द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन रिपब्लिक इन, तो ये कहाँ पे है? तो ये आपका नॉर्थ अमेरिका में। फिर है क्वेश्चन नंबर 22, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो लाइन है वो किस कंट्री से पार नहीं करती? तो वह है ईरान। देखिए ईरान की कैपिटल है तेहरान, और ईरान में सबसे ज़्यादा आपका क्या होता है? केसर। क्या होता है? केसर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, विच एक्टर प्लेड द लेड रोल इन द न्यूली रिलीज बॉलीवुड फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा? तो टॉयलेट एक प्रेम कथा किसने लिखी थी? तो इनका नाम है अक्षय कुमार इसमें एक्टर थे। क्वेश्चन नंबर 24, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए हिंदी न्यूज़पेपर इंडिया, तो हिंदी न्यूज़पेपर इंडिया कौन सा है? तो ये आपका पंजाब केसरी। क्या है? पंजाब केसरी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर साबरमती? साबर नदी के किनारे कौन सा शहर है? तो वो आपका अहमदाबाद। पटना नदी किस नदी के किनारे है? तो यह गंगा नदी के किनारे। और मुंबई किस नदी के किनारे है? तो ये है आपका उल्हास नदी। और आगरा जो है वो किस नदी के किनारे है? यमुना नदी के किनारे है। क्वेश्चन नंबर 26, विच वन ऑफ द फॉलोइंग द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द साउथ अमेरिका? साउथ अमेरिका का सबसे छोटा कंट्री कौन सा है? तो ये आपका सूरीनाम। क्या है? सूरीनाम। अगला है क्वेश्चन नंबर 27, माल्टा इज द सिचुएटेड इन, तो माल्टा कहाँ पे है? तो ये है मेडिटेरेनियन सी में। क्वेश्चन नंबर 28, द वर्ल्ड लार्जेस्ट कोरल लीफ फाउंड इन नियर द कोस्ट ऑफ विच फॉलोइंग कंट्री? तो देखिए ऑस्ट्रेलिया में मिलता है, और ये जो जगह है उसका नाम है क्वींसलैंड। क्या है? क्वींसलैंड, ठीक है। क्वींसलैंड में आपका क्या है? द कोरल रीफ, और दुनिया का सबसे बड़ा कोरल लीफ यही है। क्वेश्चन नंबर 29, कोल्डेस्ट प्लेस इन द इंडिया, तो इंडिया का सबसे ठंडा जगह कौन सा है? तो यह द्रास। द्रास आपका कहाँ पे पड़ता है? कारगिल जिले में, और कारगिल जिला आपका कहाँ पे है? लद्दाख में। लद्दाख की कैपिटल क्या है? लेह। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट है द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया, सबसे लंबा कोस्ट लाइन, यानी कि इसका मतलब ये है कि ऐसा कौन सा स्टेट है जिसका बॉर्डर जो है वो सबसे ज़्यादा समुद्र के साथ लगता है? तो ये है आपका गुजरात। गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, द काराकोरम हाईवे कनेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंट्री, तो काराकोरम हाईवे किसको कनेक्ट करता है? चाइना और पाकिस्तान को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेटीट्यूड पासेज थ्रू इंडिया, तो कौन सा लेटीट्यूड इंडिया से पास करता है? ये क्वेश्चन आपको बताना है, ठीक है। तो ये है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री है द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री विथ इंडिया, तो इंडिया के साथ सबसे लंबा बाउंड्री किसका है? तो ये आपका बांग्लादेश का, लगभग 4000 किलोमीटर से ज़्यादा है। द नेम ऑफ इंडिया डिराइव फ्रॉम, इंडिया नाम जो है वो किस नदी से आया है? तो आया है आपका रिवर इंडस से, यानी कि सिंधु नदी से नाम आया है इंडिया का। क्वेश्चन नंबर 35, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन द
ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, तो सबसे ईस्ट साइड में कौन सा आपका स्टेट है, तो वो है आपका अरुणाचल प्रदेश। तो वो कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है, ईटानगर। ठीक है, फिर है नागालैंड, नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा। ठीक है, मणिपुर की इम्फाल और असम की दिसपुर। क्वेश्चन नंबर 36, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड पिक आउट द फॉल्स स्टेटमेंट। यहाँ पे गलत स्टेट कौन सा दे रखा है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका इज द विनर ऑफ क्रिकेट एशिया कप 2012। अच्छा, अभी 2023 में एशिया कप हुआ है, कौन जीता है, तो वो जीता है इंडिया ने। ठीक है ना, और सबसे ज़्यादा बार इंडिया ने ही एशिया कप जीता है। अब यहाँ पे आते हैं, तो उस टाइम विनर कौन था, तो उस टाइम 2012 में विनर था पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 37, नेम द ऑथर ऑफ बुक ए पैसेज टू इंडिया। ए पैसेज टू इंडिया बुक किसने लिखी है, तो इनका नाम है ई एम फ्रॉस्टर। क्या नाम है, ई एम फ्रॉस्टर। क्वेश्चन 38, बैंकॉक किसकी कैपिटल है, तो ये है आपकी थाईलैंड की। किसकी है, थाईलैंड की। ठीक है, कनाडा की क्या है, ओटावा। ठीक है, देखिए जिम्बाब्वे की कैपिटल मुझे याद थी, अभी ध्यान नहीं आ रहा है। जिम्बाब्वे की क्या है, हरारे, शायद हरारे कुछ ऐसा है। ठीक है, चलिए आप लिख के बताइएगा क्या है। स्विट्जरलैंड की क्या है, बर्न। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे ऑब्जर्व। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो मनाया जाता है 11 जुलाई को। क्वेश्चन नंबर 40, विच कंट्री द विनर ऑफ मेंस हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2012। तो ये किस ट्रॉफी किसने जीता था 2012 में, तो ये है आपका ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 41, हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक ए सुटेबल बॉय। सुटेबल बॉय बुक किसने लिखी है, तो इनका नाम है विक्रम सेठ। क्वेश्चन नंबर 42, वॉट इज़ द नेशनल प्लेइंग टाइम ऑफ फुल वर्जन ऑफ नेशनल एंथम ऑफ इंडिया। तो नेशनल एंथम इंडिया हम कितने टाइम में गाते हैं, तो ये है आपका 52 सेकेंड। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, द मिल्क डे इज़ ऑब्जर्व। तो मिल्क डे कब मनाया जाता है, तो 1 जून को हम मनाते हैं मिल्क डे। ठीक है ना, और मजदूर दिवस, इंटरनेशनल लेबर डे मनाते हैं 1 मई को। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 44, वर्ल्ड टूरिज्म डे। तो वर्ल्ड टूरिज्म डे हम कब मनाते हैं, तो मनाते हैं 27 सितंबर को। क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मलेशिया। मलेशिया की कैपिटल क्या है, तो मलेशिया की कैपिटल है कुआलालंपुर। और बर्न किसकी कैपिटल है, स्विट्जरलैंड की। बुडापेस्ट किसकी है, हंगरी की। ठीक है ना, जिम्बाब्वे की कैपिटल शायद हरारे ही है। ठीक है, चलिए छोड़ते हैं उसको। बुडापेस्ट की कैपिटल क्या है, हंगरी। और जो हवाना शहर है, हवाना शहर किसकी कैपिटल है, तो ये क्यूबा कंट्री की क्या है, कैपिटल है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 पे, हु एमंग द फॉलोइंग द फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट। तो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट कौन से हैं इसमें से, ये आपको बताना है, तो इनका नाम है मार्क वैग, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 47, ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। सबसे चमकने वाला सोलर सिस्टम में प्लैनेट कौन सा है, तो वह है आपका वीनस। क्या है, वीनस। क्वेश्चन नंबर 48, द मेन ग्रास गैसेस प्रेजेंट इन द सन। तो सन में कौन कौन सी गैसेस प्रेजेंट है, ये आपको बताना है, तो ये है आपका हाइड्रोजन एंड हीलियम। ठीक है, क्वेश्चन 49, विच इज़ द हैवीएस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी। तो सबसे हैवी ऑर्गन कौन सा है ह्यूमन बॉडी का, तो वह है आपका लीवर। क्या है, लीवर। क्वेश्चन नंबर 50, ही वॉज द थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। ही गॉट द भारत रत्न अवार्ड बिफोर बिकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नेम हिम। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि भारत के तीसरे प्रेसिडेंट कौन हैं जो प्रेसिडेंट बनने से पहले उन्हें भारत रत्न अवार्ड मिल चुका था, तो इनका नाम है डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो दोस्त, यहाँ पे वीडियो ख़त्म होता है। ठीक है, और मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और साथ ही साथ यहाँ पे QR कोड है, अगर आप कुछ पे करना चाहते हैं तो QR कोड पे स्कैन करके पे कर सकते हैं। ठीक है, ये है दोस्तों मेरा QR कोड, और QR कोड पे आप यहाँ पे इसे स्कैन कर सकते हैं, और स्कैन करके आपको जो भी पैसे सेंड करने हैं आप यहाँ से सेंड कर सकते हैं। ठीक है ना, तो अगर आप करना चाहते हैं तो करिए, ज़बरदस्ती कोई नहीं है। ठीक है, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।